तो मतलब लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम खुद भी हेल्प करना चाहते हैं आपको। मैं यही बोलती थी भगवान से कि अब मुझे यकीन हो गया कि भगवान है। ओए लखनीत। तो गाइस हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, हम लोग जा रहे हैं जसलीन दीदी के पास। और आज जो मैंने ये रेबैन का चश्मा खरीदा था ना, रेबैन मिक्स मेटा, ये मैं पहन के जाऊंगा और आप इसमें देखोगे कि इसके वाले पीयूवी कैसा आता है, तो आप ये भी देखना मत जाना। नीतू रेडी? वैसे हम लोगों ने घर पे भी थोड़ी सी नींद ले ली है और नींद आ भी रही है, तो हमने गाड़ी का दोबारा से बेड बनवा दिया। लेट्स गो गाइस, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। लखन का फंडा समझ नहीं आता, बेड बनवा दिया, बोला कि चेयर कर दो। मैं तो ये तरह नहीं हूँ पागल। अब हम यहाँ से बैठ कर चलेंगे, उसके बाद हम इसको आते में बेड बनवा लेंगे। और मैं ग्लासेस पहनता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका वाला पीओवी। वैसे हाँ, रेडी रहना, ऐसे की जगह ऐसे आएगा व्लॉग थोड़ी देर, पर आपको पता चलेगा इसकी क्वालिटी कैसी है। ओके सो गाइज, वेलकम टू दिस व्लॉग। अब ये इस चश्मे में व्लॉग बन रहा है, आपको दिख रहा है या नहीं। इस गाड़ी में जो पीछे हमने बेड बनवाया हुआ था, इसको दोबारा से सीट बनवा रहा है। प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बना दो। तू उधर कहाँ जा रही है? इन्हें क्या हो गया भाई? अरे आई क्या भाई, बड़ा सॉलिड है। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई। वही कह रहा था मैं कि अच्छा, कैसे हो भाई? बढ़िया। गाइस हमने 300 ब्लैंकेट्स मंगवाए थे, जिनमें से अभी बचे हुए हैं मेरी सेकंड कार में। उन्हें इनको भी अपनी गाड़ी में रख लेना। पूनम दीदी की गाड़ी जा रही ना एक। वैसे एक बात तो मैं बोलूंगी, पूनम दीदी का गाड़ी को बिना बोले भी लेके चला जाता पुनीत, तभी बेचारी कुछ नहीं कह रहे है ना। कहेंगे क्या, कह देती है ले जाओ जहाँ ले जाना है, चल जाएगी बेचारी गाड़ी। इसका बस वही बेचारी को यही बोलना है। और देखो नीतू दोबारा धोखेबाजी करके आगे बैठ गई है, इसकी सीट रिक्लाइन नहीं होती। लोगों को बता रहा हूँ, व्लॉग बन रहा है भाई इसमें। अच्छा। पुनीत को बता दे आ जाएगा, इधर ही बैठ जाएगा फिर। पुनीत आ जा भाई, आ जा इधर। तो गाइज आप लोगों ने बोला कि मैंने अब कमेंट्स पढ़ने बंद कर दिए हैं, जबकि ऐसा ही है। लखन ने मुझे बोला कमेंट्स मत पढ़ा था। मैंने बोला था। मजाक कर रही हूँ। तो मुझे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए यार, मैं भूल जाती हूँ, आप याद दिला दिया करो। कल जिस मिठाई का नाम मैं ले रही थी उसका नाम था मैसूर पाक, जो कि बैंगलोर की बहुत फेमस मिठाई है, बहुत ही टेस्टी, मुँह में जाके लगता घुल गई। और ये कमेंट किया है अदा खान ने, बोला था नीतू जी कमेंट्स कब से पढ़ना शुरू करोगे, काफ़ी टाइम से आपने पढ़ा नहीं है टेंशन की वजह से। यार ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन में आप अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ना, टेंशन में भी काम करो, मैं तो बस यही बोलूँगी, टेंशन में भी पॉजिटिव रहो। लखन कहाँ हो तुम? यस। अदा खान ने बहुत ही लंबा मैसेज किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, 8 मिलियन होने वाले हैं, आई एम सो हैप्पी, जल्दी से आपके चैनल पर 10 मिलियन हो, आप दुनिया की सारी खुशी मिले, आपको दुनिया की सारी खुशी मिले, आप सबसे बहुत प्यार करते हो हम। बहुत बड़ा मैसेज लिखा है उन्होंने, ये रहा, मैंने स्क्रीनशॉट मॉर्निंग में ले लिया था। तो थैंक यू अदा खान, आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो गाइज, ऐसे ही कमेंट्स करते रहो। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया आपके कमेंट्स रीड करना, और नीतू बिस से मैं जो मेरा मेन चैनल है उससे भी मैं रिप्लाई करती हूँ, 2 दिन से कर रही हूँ और आज भी करूँगी। गाइज पता नहीं, बाहर उतरते हैं तो ठंड लगती है, गाड़ी में बैठते तो गर्मी लगती है, अलग ही सीन है ना। दिल्ली NCR में ऐसा ही हाल है भाई, आज मुझे अभी तक का सबसे ठंडा दिन लग रहा है, क्योंकि इतनी ठंड में बता नहीं सकता, अंदर तो हीटर चला रखा है, थोड़ी गनीमत है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए, 6 मिनट का रास्ता बचा है पुनीत यहाँ से। हाँ हाँ जी भैया, भैया आगे से राइट लेना, राइट। हमारे पूरे कमेंट बॉक्स में जसलीन जी छाई हुई है और सब लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे हैं आपको, ये सब आपकी वजह से। नहीं नहीं, सब आपकी अच्छाई की वजह से है। हेलो, चलो किमी बेटा। अच्छा, मामा से मिले। हाय जसलीन, कैसे हो? बस मेरी जान, चलो आ जाओ मेरे बच्चे। अरे शीरो जैसा लगता है। कैसे हो? तो आज हमारी एक्सरसाइज होगी बहुत अच्छी वाली। लगन की भी चप्पलों को मारते हुए आ रहे हो तुम? नहीं, वो तो लग जाती है। ये सब क्यों करा दीदी? वेलकम। यार ये सब क्यों करा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था।
कितना कुछ कर दिया दीदी आपने। बहुत क्यूट हो रहे हो आप तो सच में। मैं तो ऐसी सही हो गई आपको देखकर। वेलकम। दीदी छोटा सा घर है। इस सभी क्या जरूरत थी दीदी? क्यों, हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं। ये फूल वगैरह कोई आप हमारे भगवान। अरे दीदी प्लीज, मेरे को तो सच में सीता और राम लगते हैं। राम और सीता लगते हैं रियली। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो है मेरे दिल से अब आ जाएगी राम सीता। आइए बैठिए, पानी पिलाते हैं। अरे पानी पी लेंगे। दीदी दीदी आप प्लीज बैठो, प्लीज बैठो। सब बैठ जाओ। अब देख लिया, चलो। अच्छा दीदी, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया से आज सुबह फोन किया नीतू को, और वो शायद अपनी कुछ पार्टी वगैरह कर रहे थे वो लोग, और उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। वो पूरा आपके ट्रीटमेंट का खर्चा उठाना चाहते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई कनाडा से मैसेज कर रहा है, कोई कहीं से मैसेज कर रहा है। अच्छा, तो मतलब लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं, हम खुद भी हेल्प करना चाहते हैं आपको। नहीं पर जो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है उन्होंने तो मुझे जवाब ही दे रखा है। अरे दीदी ऐसा कुछ भी नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारती। मुझे उन्होंने बोल रखा है 6 मंथ ही, इससे ज्यादा नहीं। बट दीदी अच्छे ट्रीटमेंट भी होते हैं, अच्छे अलग जगहों पर भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हिम्मत मत हारो प्लीज, और हम लोग सब आपके साथ हैं। बस मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। आप जीओगे, आप शादी देखोगे। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना कर दूँ अपने पैरों पर खड़े हो जाए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं सब ठीक होगा दीदी, आप प्लीज टेंशन मत लो। ये रहता नहीं है मेरे बिना, मेरा बेटा बिल्कुल भी। ये मेरी सिस्टर है, हम दोनों मैंने एक ही घर में एक ही घर में एक ही घर में शादी हुई है इनके देवर से। और दीदी कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? हम मेरा एम्स में चल रहा है। ओके, लोगों ने ना बहुत सारी डिटेल मांगी है, तो ये अभी का ही है। ओके, डॉक्टर अच्छी हो गया है ना हमारी, जो दिन से चल रहा है ये सारे काम, वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये सारे पेपर है जो मेरे अभी अल्ट्रासाउंड एक्सरे हुए थे ये लंग्स में जो पानी आ गया नहीं इसमें। अच्छा अच्छा दीदी आप प्लीज ये रख दीजिए, तो इसका कोई वो नहीं, आप इसको रख दीजिए। आप बस अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, लोगों ने बहुत सारी जगह बताई है जहाँ पे ट्रीटमेंट होते हैं, आप प्लीज वहाँ पे करा लो। आप क्यों रह सकते हैं? बहुत इमोशनल। नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। नहीं मिस, आप लोगों का साथ रहेगा ना, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप ठीक ही हो। और सच बताऊं, मैं यही बोलती थी भगवान से कि अब मुझे यकीन हो गया कि भगवान है। बस ये था, हम लोग आपके साथ हैं। आपको किसी भी चीज के भगवान ने आप लोगों का भेजा, हालांकि किसी का साने, बट मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। मैं कहती थी कोई नहीं, जो होगा अच्छा होगा। मैंने देख लिया कि भगवान है, उन्होंने सुनी मेरी। मैं कहती थी कोई बात नहीं, जब तक मेरी सांस है मैं खुश होकर जीऊँ। मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। तू क्यों रो रहा है? ये ना रहता नहीं है, कहता आप अरे कुछ नहीं होगा, देखो वो है ना वैसा। बेटा इसीलिए आया था कि ट्रीटमेंट हो, आप ही के साथ रहूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, इसीलिए तो आया है। सब लोग साथ, आपको अंदाजा भी नहीं है बेटा, कम से कम 10-15 लाख लोग साथ हैं। आप कैसी बात कर रहे हो दीदी? मैंने मैंने अपना घर लेने के लिए सेविंग की हुई है। आप ये मैंने आज आप सुनिए ना, नहीं नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूँ। नहीं नहीं मैंने अपना घर लेने के लिए सेविंग की हुई है, मैं सारे पैसे दे दूंगा, मैं घर बाद में ले लूंगा, लेकिन आपका ट्रीटमेंट होगा। कोई बात नहीं, मेरा तो जो आपके ट्रीटमेंट में क्या बोला, कितने पैसे की जरूरत है? नहीं कोई ऐसा कुछ नहीं बोला, मेरा ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा है। बाकी वो ये कहते हैं कि आपकी कीमो चलेगी और जो रेडिएशन वगैरह, बस वो। अच्छा दीदी, एक आपके लिए ना एक फंड रेजर बना रहे हैं, ठीक है ना? तो आप प्लीज मुझे कोई डिटेल दे दो, बैंक डिटेल्स दे दो, अकाउंट डिटेल्स, कुछ भी। पहले आप अपना देखिए, आप बहुत परेशान है। मुझे ऐसा कुछ नहीं, इतना परेशान नहीं, आप बहुत परेशान, मुझे पता है। आप घर से पहले आप अपना करिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, आपने ब्लॉग में देखा कि आप कह रहे मैं घर नहीं, नहीं पहले आप अपना देखिए। कोई बात नहीं दीदी, प्लीज एक बार बस आप अपना अकाउंट डिटेल दे दो ना। नहीं नहीं कुछ नहीं दीदी, लोगों को देना है, आप समझो, लोग मांग रहे हैं मेरे से। बहुत सारे लोग यहाँ आ गए ना मेरे लिए, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। परी से पूछो, हम लोग सुबह से लगे हैं, मैं तो अपनी बीमारी भूली हुई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भूली जाओगे और रहेगी भी नहीं, और मेरे सब बच्चे और आप लोग, वो सबसे बड़ी बात। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप प्लीज एक बार अपना बस डायरेक्ट अकाउंट नंबर हमें बता दीजिए, हम के नीचे शेयर कर देंगे। पहले आप चुप होइए, आप बहुत सच में क्यों इतना, आपको मेरे को इतनी खुशी है कि आप लोग मेरे साथ हो,
पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया था कि भगवान ने आप लोगों से वो पता सच में ऐसा कौन सा अच्छा काम किया आप मैंने कहा मैंने वो मुझे पूरे सीता लग के मैं पता नहीं कुदरती मेरे अंदर से निकली ये बात और मैंने ऐसा कुछ नहीं मुझे ये भी नहीं है कि मेरे पास 6 महीने कोई फर्क नहीं पड़ता मैं तो इतनी पता है मेरी कीमो चढ़ी थी मुझे आपका अपडेट मिला और घर आके पूछो मेरी कितनी तो मैं वहां से आई ना मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई पर मैं पता खुश थी कि मैं आपसे मिली आप लोगों के लिए मैं खड़े हुई मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने आपका वो देखा मैं कह नहीं मैं जाऊंगी ये कह रही मम्मी मत जाओ मैं कह नहीं पर मेरे को मिलना था आप लोगों से पता नहीं आप लोगों के लिए किसने ऐसा करा है सच में भगवान देख रहे हम तो कुछ नहीं बस भगवान है और आप लोगों के साथ अच्छा ही होगा जब आप लोग इतने अच्छे हो है ना इसने टॉप कर रहा है क्लास ये लीजिए टॉप लिस्ट में आए फोन का है दिखाना सॉरी मेरी सिस्टर है ये सब कुछ देखती है सब कुछ यहाँ तक कि मेरे बच्चों को ये देख रही है खाना वाना सब मेरा वही करती है दीदी मैं एक यहाँ काम वाली लगा दूँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कोई बात नहीं हम लोग कर आप लोग आ गए ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये बता दो हमारी क्या हेल्प चाहिए आपको क्या कैसे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं हेल्प तो कुछ नहीं बस कोई नहीं मेरे को कुछ नहीं बस मेरा तो उन्होंने 6 महीने का बोल ही रखा क्योंकि आप बार बार एक चीज क्यों रिपीट कर रहे हो क्योंकि आपके मन में बैठ गया नहीं दीदी ऐसे मत बोलो क्योंकि मेरी बॉम्ब्स में आ चुका है अरे ऐसा कुछ नहीं है रिवर्स भी होती है चीजें ऐसे कुछ नहीं हां तो मैं ये हमारी तरफ से आपके लिए अरे इसके क्या जरूरत थी दीदी ऐसे बोल करवाते हैं ये तो बहुत अभी लेदर की बोल है मम्मा प्लीज इसका बर्थडे है 14 को बैटिंग करते हो बॉलिंग सेम हमारी मम्मा जैसी है ना नानी जैसी सेम टू कॉपी आगे मम्मी नहीं है नहीं हमारी मम्मी 2000 जब ही हुआ था जब भी पूरे शुगर अटैक आया था उल्टी वॉमिटिंग मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है ऐसे हो जाता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती आप कुछ खा भी नहीं सकते नहीं कुछ भी पूरे में छाले हो जाते बिल्कुल सिर्फ दवाइयां फिर क्या खाते हो आप मैं छोड़ देती हूँ फिर 4-5 दिन बाद स्टार्ट कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा क्योंकि कीमो के वक्त तो बिल्कुल नहीं खा सकती इतना सा भी फिर डॉक्टर कहते हैं कि कुछ जैसे जूस पी लिया नारियल पानी ये सब थोड़ा बहुत पीती रहती हूँ तो हो जाता है किसी का फायदा उठाया चाहे वो आपके घर वाले ही है सबने फायदा उठाया हमारा मतलब मैं तो हर रात में मैं बताती भी नहीं हूँ तो ऐसे रोने जैसा हो जाती क्योंकि लखन एक हफ्ते से सो नहीं पा रहे हाँ, मुझे पता हम ट्रिप में कमजोर बहुत हो गया है वरना मैं वो ये कह रही इतने वीक क्यों हो गए और कभी किसी का बुरा नहीं कभी बुरा नहीं चाहा मैं देखती हूँ ना सोनी दीदी डांटती की तू सबका क्यों भला करने में लगा रहता है सब तुझे फिर नीचे गिरा कोई बात नहीं ऐसा कुछ नहीं आप अच्छा कर रहे हो ना तो भगवान आप लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे कोई कितना ही होगा कोई हम लोग आपके साथ है कुछ भी हो जाए दीदी आप देखो ना क्या ही कर लिया नहीं नहीं दीदी सोचने देखो जब कोई अच्छा, जब कोई भी इंसान 50 रुपए भी देता है ना तो उसको अश्योरिटी होनी चाहिए कि मैं जहाँ दे रहा हूँ वहीं जा रहे हैं तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि यही वो अपने हाथ से लिख दे अकाउंट डिटेल्स अपनी बट उसको ना अच्छा नहीं लग रहा ना वो कह रही है मैं सच बता रही हूँ आप मेरे साथ चले जाओगे हॉस्पिटल मेरे लिए इतना ही बोला अरे नहीं मैं और मैंने इसे आज सुबह ही बोला मैंने कि मुझे कोई लालच नहीं बात हमने बोला नहीं दीदी आपने आपने एक बार भी कुछ नहीं बोला मुझे चाहिए बल्कि मेरे पास है ना फोन आया मैं बड़े घर में नहीं रहूंगा कोई बात नहीं बट हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती नहीं नहीं ऐसा नहीं दीदी अभी तो देखो मैं बता रहा हूँ जो अगर आप ये मत बोलना कि मेरे घर को ऐसा कुछ नहीं पहले आप अपना देखिए अरे मेरा तो जो फिर भी आपने इतनी बड़ी बात बोली मैंने मैं तो ये सोचू पता नहीं मैंने ऐसे क्या करूं करे सच में नहीं, कि आप लोग मेरे साथ तो यही बहुत बड़ी हम बात यही सोच रहे की इतनी नहीं नहीं इतनी तकलीफ में भी आप हमारे लिए आए हमारे सपोर्ट मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ हूँ मैं तो फिर आऊंगी चाहे मेरे कीमो लगे कुछ भी मैं खड़ी दीदी अपना प्लीज नहीं मैं ठीक हूँ और बल्कि अब मैं पहले से और ठीक हो गई हूँ पहले मेरी कीमो चढ़ती थी तो मैं 20-20 दिन लेटी रहती थी अब मैं 10 दिन में खड़ी हो गई नहीं उन्होंने एक आया था मेरे पास कोई सब्सक्राइबर ही था उन्होंने मेरे से नंबर लिया था तो मुझे बोल रही थी हम आपकी बहुत दुआएं कर रहे हैं
और आप ठीक हो जाओगे। नहीं वहाँ पर कुछ लोग आपका नंबर भी लेकर गए थे ना, कैंगन वाटर। बहुत कॉल आती है कि आप ठीक हो जाओगे, हम आपके लिए करना चाहते। वो उनकी कल मेरे पास कॉल आई थी, वो कह रहे हम लगवा देंगे। उन्होंने मेरा नंबर ले लिया, एड्रेस ले लिया। Okay. तो उसमें जो भी कुछ खर्चा हो प्लीज आप मेरे को बताइए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, प्लीज वो मेरी तरफ से जितना हमसे होगा हम करेंगे। मतलब इन्होंने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया बोल कर गए। मैं पर आपको राखी बांधना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं सच में, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को इतना अच्छा भाई मिला है। मैंने इसे ही कहा, मैंने कहा मेरे को बहुत खुशी है, मैं राखी लेकर आई हूँ। मैं अपना भाई मनाऊंगी। लेकर आती हूँ, पूजा लाई हूँ। अभी आप गए थे दादी नानी जी के, अरे तो वहाँ तो वो गई थी ना। हाँ, वहाँ गई तो थी। मुझे लगा शायद आप हमारे घर भी आओगे, मैं व्लॉग में ना ढूंढती रहती हूँ। उस दिन ना लेट हो गए थे, वरना अच्छा। हम लोग आते, लेकिन पूनम दीदी का यही मानना था कि मैं बहुत रोऊंगी उधर जाकर। अच्छा, मिठाई नहीं, वो बहुत इमोशनल, वो भी आप ही की तरह है। नहीं, मुझसे ज्यादा इमोशनल। आंटी को भी मिलवाना मेरे से, बहुत अच्छी आंटी। इन्होंने बोला ना दीदी मामा इन बच्चों को, तो मैंने कहा मैं राखी जरूर बांधूंगी भैया को। मेरे भाई का नाम भी लक्की है, एक ही भाई है हमारा सबसे छोटा। अपने मन में झूठी लगी ना कभी। हाँ, उन्हीं की आ गए। मगर सच में भगवान आपको बहुत लंबी उम्र देगा। हाँ, मुझे गिफ्ट देना, इसमें हमारे राम जी है। अब बताओ आप क्यों लेकर आए? नहीं नहीं, मैं तो बल्कि बहुत छोटा सा लाई हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था। बाकी हमारे राम जी है इसके अंदर पूरा। पर मुझे तो आप सीता लगते हो, पता नहीं आपकी लुक की सीता जैसी है सच में। सिंपल सोवर थे इसमें मैंने। आइए भैया, आप खोलो, आप खोलो। नहीं नहीं दीदी खोलिए, बैठो दीजिए, मैं खोलूं। इसमें हमारे राम जी है। अच्छा, मैंने के 22 को आ रहे हैं हमारे। आप लोगों की वजह से लाई है कि राम और सीता की जोड़ी की। सच में मेरे को ना पता नहीं अंदर से आवाज ही ऐसे, मैंने के 22 को आ रहे हैं हमारे इधर अयोध्या में। पता नहीं, मैंने कहा मेरे घर तो पहले ही आ रहे हैं वो। सच में हमारे राम जी आप हमारे घर आए हो, मेले तो राम और सीता ही। अरे ऐसा मत बोलिए, है ना। अच्छे राम जी आपकी हिफाजत करेंगे, आपको जल्दी ठीक करेंगे। थैंक यू। एकदम जब से मिले ना तब से यही बोले जा रहे हैं। हां, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से लगता है कि मेरे घर सच में राम और सीता आ रहे हैं। नहीं, 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 ये जो सच है सो सच है। मैंने मैसेज भी करा था, मैं चाहता हूँ भगवान राम खुद आपके घर आए। नहीं, मैं सच बता रही हूँ, मेरे दिल से है कि कोई ना कोई रूप तो हो आप लोग, क्योंकि मैं कहाँ आप लोग कहाँ। नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि, मैं मन में सोचती थी जब मैं देखती थी ना, मैं कहती थी काश मैं कभी इनसे मिलूंगी ना तो ये चीज बोलूंगी। और ये सच हो गई, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आप लोगों से मिल ली। मैंने कहा ऐसा भी, यानी भगवान है दीदी, भगवान सुनने वाले हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखो इतने सारे लाखों लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, सब ठीक होगा। आप देखो, ये तो कहते हैं बड़ा शौक, इसको मैं क्रिकेट खिलाऊंगा। ठीक है भाई, तेरी जिम्मेदारी क्रिकेट की तो मैं ले रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी आप भी आओ दीदी। कोई नहीं, मैं आ जाओ बर्थडे इसलिए कि आज मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एक नया बर्थ हुआ है, है ना, एक नया लाइफ स्टार्ट हो और सब कुछ अच्छा हो जाए दीदी। अच्छा ही होगा, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसका नाम काके है? नहीं, हमारे सरदारों में काका बोलते हैं अच्छा लड़कों को। ये लो बेटा के, मैंने भी सुना है ऐसे दमनजीत सिंह है। ओह थैंक यू, ये तो इतना एटीट्यूड अपने आप ही। मैं भी खिलाऊंगा। बस अभी दीदी का एक बार अकाउंट डिटेल्स ले लेते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे वो मैसेज कर दें बाद में, लेकिन लोगों के दिमाग में डाउट आ सकता है, तो उन्हीं से मैं यहीं पर अकाउंट डिटेल्स लेके यहीं आपको शो कर दूंगा। जो भी लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी जो नहीं भी करना चाहते बिल्कुल बुरा फील मत करना। मैं और नीतू अपनी साइड से करने वाले हैं। आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो उससे मैं हमेशा बता रहा हूँ, हमारी एंडिंग उसी से हो रही है, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी पहुँच गया है। उसके अलावा भी कोई अगर ज़्यादा समर्थ है अपने आप में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो उनके लिए नंबर है, बाकी तो आपने इस काबिल बनाया है। अरे इधर आओ, कहाँ है पॉकेट इसकी? पॉकेट ही मिल गई। बहुत तंग नहीं करो, ऐसे मत करो। अरे वो लड़की कहाँ गई? परी आओ, परी इधर आओ, ऐसे नहीं करो। किसने बोला था तुमसे? परी इधर आओ, कहाँ है पॉकेट आपकी? जल्दी पकड़ो। ठीक है ठीक है, हेलो दादा ने, ठीक है, नेक्स्ट टाइम बुलाना नहीं हमें। नहीं, बट आप सभी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। मैं बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। सेम हियर।
पढ़ना क्या हुआ उस दिन ना मम्मा ने मुझे कॉल किया, मैं नीचे था तो मम्मा ने मुझे बोला कि ना कल चलते हैं ऐसे ऐसे ना वो आएंगे। गाइस ये जसलीन दीदी की बैंक की चेकबुक है तो मैं इसमें आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। कैसे दिखाऊँ अकाउंट डिटेल्स वगैरह, मैं इसका फोटो भी खींच के यहाँ डाल दूंगा अभी, आप सिर्फ अकाउंट नंबर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है पुनीत, इसका आईएफएससी कोड और बाकी सारी चीज़ें मैं लगा दूंगा, स्विफ्ट कोड भी लगा दूंगा क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट कोड चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लगा दूंगा। प्लीज़ जो भी लोग हेल्प करना चाहें प्लीज़ कीजिएगा। दीदी कह रही है ट्विन्स है देखो। और देखो यहाँ पर सबने स्वेटर पहनी, हमारे वाले बड़े नखरे बाज है स्वेटर्स नहीं पहनते, वो तो वो भी नहीं पहनते, नेक नेक में कॉलर भी नहीं पहनते हो, बट यार ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ठीक है ठीक है, बाय दीदी, बाय नमस्ते नमस्ते, बाय बाय, चली जाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल जाऊँगा। तो गाइज़ हम लोग वहाँ से आ गए हैं, दिल्ली में हमारी एक और मीटिंग थी, हम उधर ही जा रहे हैं अभी। और यार दिल सा बैठ गया दीदी की बातें देख के ना, मतलब और जब वो छोटा उनका जो बेटा है तमन, उसकी जब बातें सुनी, जब उसको रोता हुआ देखा ना, तो फिर उसके बाद तो यार मैं बिल्कुल स्टिल शॉक था, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या रिएक्ट करूँ। अच्छा रो नहीं सकता यार, क्योंकि क्या मैं उनको हिम्मत देने आया हूँ, और अगर खुद ही रो पड़ूंगा तो कैसे चलेगा ना, तो इसीलिए। बाकी मैं तो भाई प्रे करता हूँ सब चीज़ ठीक हूँ, मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स की स्टोरी सुनी है, मेरी दीदी हैं श्वेता दीदी, उनकी मम्मी की स्टोरी मैं सुनता रहता हूँ दीदी से, बहुत पेनफुल होता है लेकिन यार होपफुली उम्मीद नहीं हारी है, सब चीज़ें ठीक होंगी भाई, रिवर्स होता है, फोर्थ स्टेज से भी रिवर्स होते हैं लोगों के, और होपफुली आप सबकी दुआएँ काम आएंगी यार, 15-20 लाख लोग दुआएँ कर रहे हैं उनके लिए, तो भगवान ज़रूर सुनेंगे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आप लोग प्लीज़ प्रे करना, और बाकी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, कुछ और भी ट्रीटमेंट, कुछ और भी अगर मैं उनके लिए कर सकता हूँ प्लीज़ आप मेरे को बताना। बाकी उनका अकाउंट डिटेल्स हम यहाँ पे लिख देंगे, एक ईमेल आईडी उनके लिए क्रिएट कर देंगे जहाँ पे आप उनको सजेशंस दे सकते हो, जो भी आपके पास कुछ हो या आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हो तो। उन्हें तो उनकी ईमेल आईडी लेने पाए यहाँ, ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिख दी क्योंकि बहुत से लोग उनसे बात करना चाहते हैं ना डायरेक्टली। तो गाइस हम लोग घर आ गए, मीटिंग अपनी हो गई, काफ़ी अच्छी थी, और कुछ नई चीज़ों पे प्लान चल रहा है, जो कुछ तो आपको पता चल चुके हैं, कुछ और आपको पता चल जाएंगी। हम आ गए घर पर वापस, और मुझे नींद आ रही है बहुत तेज। तुमने केले खाए? एक खाया था, देख। अरे हाँ अब आप ऐसे मिला करोगे मैं गेट खोल के? कहाँ जा रहे हो बेबी, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ अरे अरे मेरा बच्चा, अरे अरे मेरा बेबी, अरे अरे मम्मा को पिच्ची तो करने दो, मम्मा को पिच्ची तो करने दो, पिच्ची 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 बहुत भाव खाता ही है। So guys, ये राम दरबार जो जसलीन दीदी ने हमें दिया है, इसको भी हम यहीं रख रहे हैं, फिर इसको रखेंगे जहाँ पे रखा जाना चाहिए। और ये हमारी प्यारी सी राखी जो दीदी ने बांधी है, मेरे भी बंधी हुई अभी तक। और ये हमारी कंजी, किस टाइम आई तू वहाँ से ऑफिस से? तेरा ऑफिस में लेट तक बैठा करवा, 6 बजे निकल जाती हूँ यार, बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ट्रैफिक में आते टाइम ना तो 2 घंटे लग जाते हैं उसके बीच। सो गाइज हम लोग आ गए हैं घर पर जैसे कि भी बताया, बट पूरे रास्ते में एक चीज़ सोचती भी आई जब अभी हम लोग आ रहे थे अपनी मीटिंग ख़त्म करके, कि किसी के पास टाइम कम है जीने के लिए और किसी के पास बहुत टाइम है, किसी को नहीं पता कितना टाइम है, जैसे हम लोगों को नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, लेकिन कि कैंसर वाले पेशेंट्स को पता है कि उनके पास कितना टाइम है, क्योंकि डॉक्टर बता देते हैं उनको। बात यह है कि देखो अभी वो कितना स्माइल करे, तो उनसे एक लाइफ का लेसन मिला है कि वो कितनी पॉजिटिव है। हम लोग लाइफ को लेकर थोड़ी सी टेंशन आती है, हम लोग सोचते हैं यार चलो कुछ कुछ कर लेते हैं, अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे माइंड में भी बहुत बड़े थॉट्स आए हैं ये पहले, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आज मुझे उन दीदी से एक लेसन मिला कि लाइफ बहुत सुंदर है, बस जियो इसको, उतार चढ़ाव लाइफ में आते ही रहते हैं, बस जियो जितने खुशी से जी सकते हो, और जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जितने भी बेकार लोग हैं, उनको इग्नोर करो और अपनी लाइफ जियो। जो मैंने बोला सही बोला? एकदम करेक्ट। मेरे बेटे का ध्यान रखा नहीं रखा? बहुत आया तुम्हारा बेटा, मुझे बहुत परेशान करते हो, बहुत परेशान करते हो, मुझे बहुत परेशान करते हो, जाओ मम्मा के पास, मम्मा 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 मम्मा। बट रियल मम्मा तो आप हो। मैं रियल मम्मा हूँ, तुम फेक मम्मा हो, पता है ना, चेंज कर लिया है। ब्राउनी गंदी बात, मैं वो ब्राउनी खाएंगे ना को रात को, हमारा लेट नाइट के लिए होता है स्नैक्स। हम लोग सीधा घर से आए हैं, खाना खा के डिनर कर लिया था दीदी मैंने और
लखन ने तीनों ने साथ में डिनर किया काफ़ी टाइम बाद। आई हूँ मैं पूनम दीदी के घर पर क्योंकि पता चला है हमारे जो सुधीर है उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी मॉर्निंग में, सुबह 3 बजे से उल्टी कर रही थी 6 बजे तक क्योंकि रात में खूब सारे मोमोज खा रही थे तो टेंशन हो गई थी। यहाँ पर अभी हॉस्पिटल में ही पता किया है कि डिलीवरी हम लोगों ने मतलब मैंने ये स्टेप लिया है कि तो हमने डिसाइड किया कि उनकी डिलीवरी हम ही लोग करवाएंगे उसकी डिलीवरी चांदनी की, इसीलिए हम उसको यहाँ पर ले आए। वो पूनम दीदी के घर पर रुकी है क्योंकि आपको पता है हम लोग अभी शिफ्ट करेंगे और प्रेग्नेंट है, शिफ्टिंग में उसको दिक्कत होगी तो जैसे हम शिफ्ट करेंगे। ऐसे पूनम दीदी के यहाँ पर भी कोई टेंशन नहीं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पूनम दीदी रहती है। तो बस अभी हम उससे मिलने के लिए आए हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं, उसको क्या खाने का मन है। मैं सुधीर से डेली बोलती हूँ कि पूछा कर उसका क्या खाने का मन है, कहता है मुझे कुछ बताती ही नहीं है। मैं पूछूं तो क्यों नहीं बताती। ब्रानी ब्रानी ये जो भाई साहब पूनम तूने रात का हमारे सोने को क्या कर रखा है ये। ब्रानी इधर आओ बेटा। ओ मेरा ब्रानी आओ सबको पहले हेलो बोलो। क्या हो गया था कल रात में तुमको? ब्रानी पलटी हो रही है। कैसे हो रही थी? कुछ मैंने मोमोस क्यों खा लिए थे? पैसे ही मन किया इसलिए। ऐसे भी बाहर का कम खाना है ठीक है। नहीं वैसे तो जो मन करता है वो खा सकते हैं, हो सकता है मोमोज अच्छे ना हो। हाँ मोमोज पुराने हो सकते हैं। ये सर में क्या हो गया यहाँ पे? वो बचपन से ही है। अच्छा हाँ। छोटे तेरे को उल्टी हुई थी? इसको क्यों हुई? इसको तो उसी टाइम पे हुई थी। खराब ना हो गई हो। हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं एक महीने के बाद। हम लोग चांदनी चांदनी तेरा क्या खाने का मन करता है? मीठा या फिर खट्टा? क्या मन करता है ये ले चॉकलेट खा आज तू। और बाहर से मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं खाएगी समझ गई, जो भी मन कर रहा है मुझे बताएगी। मैंने उससे भी बोला था सुधीर से कि चांदनी से पूछ उसका मीठा खाने का मन कर रहा है या खट्टा, ये छोटे को दे दे। तेरा क्या खाने का मन करता है, मीठा या फिर खट्टा? कुछ नहीं कभी कभार खाने का मन करता है। नहीं मैंने बोला कि मैगी वगैरह खाना था यहीं से खाइए, बाहर से मत मंगवाइए। हाँ मैगी वगैरह पैकेट पड़े हुए सारे। तो मन क्या करता है तेरा खाने का ये तो बता। चटपटा करता है? हाँ चटपटा ही खाती हूँ मैं। तो फिर भी उल्टी होगी ना। एक गोटे टेरी तो बताना चटपटा खाने, जो भी मन कर रहा है तू बता दियो मैं बनवा दूंगी उधर। यहाँ पर दूसरा कुक आता है वो तुझे पता ही है, लेकिन तेरा जो भी मन कर रहा है खाने का तू बताइयो ठीक है, मगर बाहर से कुछ नहीं मंगवाना। तो भाई गाइस बात यह है कि उसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उसको ये पलटी बोलते हैं, उल्टी को पलटी बोलते हैं, तो उसको वही आ गई थी। बाकी पूनम दीदी को, पूनम दीदी का जो कुक है आते हैं वो सुबह से शाम तक आते हैं, पूरे 24 आवर्स के लिए नहीं रहते। तो इसके पास भी 2 सर्वेंट हैं, एक तो पूरा घर संभालता है, एक झाड़ू पोछे के लिए आती है और एक कुक है, 3 लोग हैं। खैर उसको जो भी खाना होगा, क्योंकि हमारा कुक ना चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाता है, तो मैंने बोला भाई जितने को जो भी खाना है वो वहाँ से बनवा लियो, बाकी देखते हैं बेचारी का क्या मन करता है खाने का। लेकिन यार मासूम तो है हमारी चांदनी है ना, सुधीर की तरह सुधीर भी हमारा यार लाखों में एक है, चमकता हुआ तारा। तो हम लोग आगे वापस अपने घर, बाय बाय गुड नाइट। व्लॉग कैसा लगा कमेंट से बताना और अपना इसी तरह प्यार देते रहना। बाय बाय गाइज, लव यू।